आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इसका रियल प्रश्न पत्र, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र का ये पेपर होने वाला है, मासिक एग्जाम जून का, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र का आर्ट्स वाले के लिए आपका विषय को 322 रहने वाला है, 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है जून मासिक एग्जाम का, 1 घंटा 30 मिनट का यह पेपर रहने वाला है, ठीक है। आपको बता दें इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर 6210-82403 पर आप लोग SMS करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, निम्न में से कौन सा एक भारत का विदेश नीति का मुख्य आधार है, कौन है? तो अमेरिका से दोस्ती है, गुटनी निरपेक्ष है, चीन से दोस्ती है, सविनय संघ की से दोस्ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्षता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? आक्रमण कब किया था? तो 1962 में किया था, ठीक है, 1962 में किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, 1962 में किया था। एक बार इस क्वेश्चन को दो नंबर में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, दो नंबर में देख लीजिएगा, ठीक है, 1962, 1965 या 1971, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? तो 29 हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत। आगे क्वेश्चन है, नाथुला दौरा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो किस से जोड़ता है? तो ये नेपाल से जोड़ता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, 20 श्रुति कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो श्रोता के आत्मनिर्भरता है। आगे भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए आगे है, पंचायती समिति का मुख्य कौन होता है? तो पंचायत समिति का मुख्य कौन होता है? तो मुखिया होता है पंचायत समिति का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में है। आगे क्वेश्चन, भारत का संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देश तत्व को। आगे क्वेश्चन है, वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण क्या है? तो एकल आयामी परिघटन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? कौन है? तो जापानी। आगे क्वेश्चन है, 1956 में भारतीय राज्य में पुनर्गठन का आधार क्या था? तो सांस्कृतिक पहचान था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है, भारत में 1946 की अंतिम सरकार की किस योजना के तहत बनी थी? तो माउंट वेट योजना के तहत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। आगे क्वेश्चन, भारत जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे भारत संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1900, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, देखिए इसमें दिया नहीं है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र तो 15 अगस्त को हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 छोड़ दिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो रास बिहारी मंडल है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो पश्चिम बंगाल में। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो प्रधानमंत्री से। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति को दो ध्रुव कौन थे? तो कौन थे? सोवियत संघ और यूरोप थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1949 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, सीटों किस प्रकार का संगठन? आर्थिक संगठन है। चलिए आगे क्वेश्चन है 24 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देश ने भाग लिया था? तो 10 ने। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, सोवियत संघ में कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो सीटों का। आगे क्वेश्चन है, क्यूबा में मिसाइल संगठन किसने संबंधित है? सोवियत संघ से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। आगे क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, शीत युद्ध के संदर्भ में LDC से क्या अभिप्राय है? तो नेतृत्व विकास
पाठ्य से। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी जारी थी शीत युग के रूप में। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी।